गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस टाइम आ चुके हैं यस बैंक के रिजल्ट्स। तो चलिए बात करते हैं यस बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो देखिए, यस बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। तो यस बैंक के रिजल्ट्स की क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट्स की बात करूँ तो देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी का आया है 207 करोड़ पे, जो दिसंबर 2008 के बाद पहली बार आंकड़ा आया है 207 करोड़ का। तो ये आंकड़ा बेहद ही शानदार निकला है। यस बैंक भी प्रॉफिट दिखाने लग गया है इतना अच्छा। और तो सोचिए ना, और कॉर्पोरेट से रिकवरी जो रिकवरी हुई है इनकी, वो हुई है 1643 करोड़ की। और 1643 करोड़ की जो कॉर्पोरेट रिकवरी रेजोल्यूशन है कभी हुई है। और कंपनी का जो प्रोविजन है, प्रोविजन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 में प्रोविजन रहा है 644 करोड़ का प्रोविजन रहा है, जो जिसमें अगर क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस देखा जाए तो 87.7% का डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब सबसे कम प्रोविजनिंग भी इनकी घटी है दिसंबर 2018 के बाद से। और दिसंबर 2018 के बाद पहली बार इतना कम आंकड़ा आया 644 करोड़ का। और अगर करंट अकाउंट्स अकाउंट रेशो की बात की करी जाए तो सेविंग इनका जो है वो अप हुआ है 130 बेसिस पॉइंट से 27.4%, जो दिसंबर 2019 के बाद हाई है। मतलब इनके जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं वो है 1.5 लाख करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स ओपन हुए हैं। इन्होंने 1.5 लाख अकाउंट्स ओपन करे हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और यस बैंक ने कम से कम रिटेल एडवांसेस क्लोज कर लिया है। रिटेल को एडवांसेस दिया 50,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है। और रिटेल कॉर्पोरेट मिक्स इनका रहा है, रिटेल वर्सेज कॉर्पोरेट मिक्स 53:47 का रेशो रहा है, जो लास्ट क्वार्टर था 51.49। तो ये भी एक अच्छा आंकड़ा है, 53 रिटेल को ज़्यादा इन्होंने एडवांसेस दिए हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट। तो और न्यू जो इनका न्यू बिजनेस जनरेशन है वो कंटिन्यू इम्प्रूव कर रहा है। और रिटेल को जो इन्होंने लोन इस बार क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो लोन दिए हैं डिस्बर्समेंट्स, वो 5,006 करोड़ के थे। और SME डिस्बर्समेंट इन्होंने दिए हैं 3242 करोड़ के। और होलसेल बैंकिंग डिस्बर्समेंट 3625 करोड़ का। और जो मोमेंटम रिकवरी, जो जिस तरीके से कैश रिकवरी में मोमेंटम सस्टेन है इनका प्रॉपर मोमेंटम, तो 602 करोड़ की रिकवरी करी थी क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2022 में। और अगर मैं बात करूं कैपिटल इक्विटी टायर वन रेशो भी इम्प्रूव हुआ है इनका 40 बेसिस पॉइंट से। CET1 रेशो, जो कैपिटल टायर वन रेशो होता है, वो भी 40 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। और UPI की टेक्नोलॉजी में 46% इनका मार्केट शेयर है IMPS में भी। और इन्होंने ये भी बताया है कि इनकी कंपनीज के जो 80% एम्प्लॉयज हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और वैक्सीन लग चुकी है उन्होंने। और उन्होंने ये भी इम्प्लीमेंट करा है कि वो इम्प्लीमेंटेड वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब उनके एम्प्लॉयज अब कहीं से भी काम कर सकते हैं, ताकि जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो और सपोर्ट मिले। और अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली हाइलाइट्स एक बार और देख लेते हैं, तो जो NII है वो क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2022 में 1402 करोड़ की रही है। और NIM 2.1% पर, नेट इंटरेस्ट इनकम 1402 करोड़ की रही है इनकी, और मार्जिन 2.1% पर है। और नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी रही है 1056 करोड़ की, जो जिसमें 29.5% का जंप देखने को मिला है क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इस कंपनी के रहे हैं क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2022 में 1538 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर से जिसमें एक 4.9% की गिरावट देखने को मिली है 4.9%
कम खर्चे रहे हैं इस कंपनी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का रहा है 920 करोड़ का, जो उसमें 4 गुना जंप देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। और कंपनी के जो एडवांसेस हैं, एडवांसेस इस कंपनी के हो चुके हैं 1,63,654 करोड़ के, और टोटल डिपॉजिट्स हैं कंपनी के पास 1,63,295 करोड़ के। तो सीटी रेशो इनका है 100.2% पे, जो लास्ट क्वार्टर में 102.4% पे था। और लिक्विडिटी कवरेज रेशो है इस कंपनी का, एवरेज अगर डेली निकाला जाए तो 131.8%, जो काफ़ी हेल्दी है, मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, जो लास्ट क्वार्टर में 113.9% की थी। तो इसमें भी हेल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, मतलब लिक्विडिटी की कमी नहीं है कंपनी के पास। और एसेट क्वालिटी की बात करूँ तो क्रॉस एनपीए 15.6% पे है, और नेट एनपीए 5.78% पे, और एनपीए प्रोविजनिंग टू कवरेज रेशो है वो 79.3% पे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक तरीके से इम्प्रूव कर रही है, जिस तरीके से प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, तो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है येस बैंक में। तो अभी तो इसे और इम्प्रूव मिलना है, इसका प्राइस एक्शन जरूर देखने को मिलेगा जिस तरीके से प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। तो प्रॉफिट का आंकड़ा अच्छा है एक तो कंपनी का, और NII भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, ज़्यादा ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन एक एक सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि जो NPA है, NPA की प्रोविजनिंग सबसे कम हुई है इस बार, सबसे बड़ा आंकड़ा ये है। ये एक शायद बाजार को पसंद आ सकता है, जिस तरीके से NPA का आंकड़ा 644 करोड़ पर आया है, 87% की गिरावट देखने को मिली है NPA की प्रोविजनिंग में, तो दिसंबर 2018 के बाद ये आंकड़ा एक बार को इस पे रिएक्ट कर सकता है येस बैंक का। तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा जरूर बाजार को पसंद आना चाहिए येस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, और प्रॉफिट भी दिखाया है कंपनी ने 207 करोड़। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, अभी भी मैं शेयर पे कोई राय नहीं दूंगा कि शेयर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी कंपनी को और इम्प्रूव करना है, तो अभी टाइम लगेगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।